आज एक गम की घड़ी भी है और आपके जो खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करते हुए आप खुद देश की आपने खुद देश की सेवा की है और आज आपका बेटा शहीद हुआ है। आपकी क्या यादें हैं उनके प्रति? उनके प्रति हमारी बहुत यादें सर, वो सबसे मिलजुल कर रहता था, खेल कूद में रुचि लेता था, हर काम में वॉलेंटियर दिखाता था, अपना काम में अग्रणी रहता था और स्नाइपर शूटर था आर्मी के अंदर। कब छोटे आज जो परिवार के उसी शहादत पे हमें गर्व भी है और साथ में दुख भी है। गर्व उसने देश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया और दुख इस बात का कि हमारे पूरे परिवार में मातम छा गया, पूरा गांव पूरा घर परिवार सब गमगीन एक हालत खस्ता हो गई। उसको खबर सुनते ही मैसेज मिलते ही ऐसा हो गया। पूरे हमारे समाज में सनसनी फैल गई सभी गांवों में। सरकार से क्या मांगा? सरकार से मैं तो अभी शहीद को सुपुर्दी खाक होने के बाद में शहीद का वहाँ पर मज़ार बनाया जाए, शहीद स्मारक बनाया जाए और मैं यही मांग है। और दूसरा उग्रवादी आतंकवादी इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ में पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। जिस तरह अभी आर्मी को ऑल आउट ऑपरेशन चला रखा है वो अच्छा चल रहा है, पर इस तरह चलता रहे उग्रवादियों का खात्मा होना हो और पत्थरबाजों का भी खात्मा हो। Thank you.